स्क्रीनिंग है क्या समझते हैं। स्क्रीनिंग इज बेसिकली अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस राइट स्टेज टू के लिए। अब जैसे हीट होती है ना स्कूल कॉलेज में जब तुम गेम्स वगैरह कोई खेलते हो, सपोज तुम एथलेटिक्स खेल रहे हो राइट, एथलेटिक्स वगैरह में बहुत सारे लोग आ गए पार्टिसिपेंट्स, अब तुम्हारे पास में इतनी जगह नहीं है उनको भगाने के लिए, तो तुम क्या करोगे, तुम एक हीट भगाओगे ठीक है, हीट के अंदर सबको भगा दोगे। नाउ देयर विल बी सम पीपल जो कि आगे निकलेंगे और उन लोगों को तुम फिर मेन इवेंट में खिलाओगे। सेम हैपन्स इन द स्क्रीनिंग एज वेल कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से मुझे शॉर्टलिस्ट करके कुछ लोगों के ऊपर एनालिसिस करना है, इजंट इट। अब उन लोगों के लिए एनालिसिस जब मैं बात करता हूं तो हीट में क्या होता है कि देयर आर टाइम्स जब अच्छे प्लेयर्स भी पीछे रह जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डे द माइंडसेट ठीक है, या फिर जो बाकी सारे लोग भाग रहे हैं उनमें कैसे वो पीछे रह जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके वजह से लोग हीट में पीछे रह जाते हैं। पहली बात तो स्टेज वन में अगर तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो, नेवर नेवर एवर हैव अ सेल्फ डाउट ऑन योरसेल्फ। कभी भी जो ना अपने ऊपर ऐसा मत रखना कि आई कैन नॉट डू इट, डू आई हैव इट इन मी और नॉट, बहुत सारे दिमाग में सवाल आ जाते हैं, खुद के ऊपर लोग सवाल करने लग जाते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग ठीक है। सेल्फ डाउट इज द मेजर रीजन फॉर स्क्रीन आउट्स। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे तुम वहां बैठे होते हो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब टेस्टिंग के टाइम पे वी नीड 100% ऑफ द फोकस और तुम्हारा फोकस डिवाइडेड है चार अलग चीजों में। तुम क्या सोच रहे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पिछली बार आउट हो गया था, इस बैच में तो बहुत सारे रिपीटर्स हैं, एन नंबर ऑफ मिथ्स यू आर कैरिंग अलोंग विद यू, जिसकी वजह से ये सेल्फ डाउट तुम्हें मरवाता है। सेकंड चीज, चिप्स विच यू कैरी ऑन योर शोल्डर्स। अब वो चिप्स किसी भी चीज की हो सकती हैं, चिप्स कैन बी ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर कि इस बार तो कैसे भी करके तैयारी करके आया हूं मैं, बस इस बार रिकमेंड होना है, इस बार पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे उनको ठीक है। ये सारी चीजें तुम उस टाइम पर सोच रहे होते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर टेस्टिंग। तो टाइम ऑफ टेस्टिंग पे जो है ना, मुझे सिर्फ इतना तुम्हें यहां पे बताना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेस्टिंग यू शुड बी 100% फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। ओआईआर कर रहे हो तो सिर्फ ओआईआर के ऊपर फोकस रखो, स्टोरी लिख रहे हो तो सिर्फ स्टोरी के ऊपर फोकस रखो, लीव एवरीथिंग असाइड। मैंने विजन और फोकस की बात करी थी ना उस दिन तुम लोगों से राइट, यस नो मे बी करी थी कि नहीं, सो योर फोकस शुड बी स्ट्रांग। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार पता ही नहीं लगा क्यों आउट हो गए, मतलब हमने तो सब कुछ अच्छा किया तो फिर क्यों आउट हो गए, सब कुछ अच्छा किया तो फिर आउट क्यों है, दिन ही खराब होगा फिर है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। नहीं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जब चिप्स यू कैरी, सेल्फ डाउट जो तुम लेके जाते हो अपने साथ में, ये होती है मेजर रीजंस तुम्हारे स्क्रीन आउट होने के ठीक है। स्टेज वन इज द सिंपलेस्ट स्टेज, कुछ नहीं है इसमें, बस बहुत बेसिक सी टेस्टिंग है, देखना चाहते हैं वेदर यू आर कंपैटिबल फॉर स्टेज टू और नॉट, क्या तुम परफॉर्म कर पाओगे स्टेज टू में या नहीं कर पाओगे। और जब ये वाली बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं पे घूम फिर के बात आती है कि टेस्टिंग में तुम क्या करने वाले हो राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लक है स्टेज वन या नहीं है, एसएसबी लक है कि नहीं है। आई विल से कि स्टेज वन की जब मैं बात करता हूं, यस ठीक है, लक भी मैटर करता है और जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो भी मैटर करती है। जब लक की बात आती है तो लक में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे लक में डिपेंड करता है कि उस दिन तुम किस मूड में उठे हो, लक में ये भी डिपेंड करता है कि उस दिन तुम्हारा माइंडसेट क्या है, लक में ये भी डिपेंड करता है कि तुम लोग उस पर्टिकुलर डे पे जिस असेसर के सामने बैठ के अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो वो किस मूड में है, या फिर कौन बंदा तुम्हारे सामने आ रहा है, ये भी मैटर करता है ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारा ग्रुप है वो किस हिसाब का तुम्हें मिल रहा है, ये भी मैटर करता है। तो देयर आर थिंग्स व्हिच मैटर ठीक है, बट एट द एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, लक कम्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक भी तभी फेवर करेगा जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी होगी और प्रिपरेशन भी होगी ठीक है। तो हमारा जो काम है, हमारा काम है अपना 100% देने का, उसके बाद में ये चीजें सोचनी छोड़ दो कि लक है, रिपीटर्स को ज्यादा फेवर करते हैं या फिर फ्रेशर्स को ज्यादा फेवर करते हैं, कीप एवरीथिंग असाइड। और मेरी एक सलाह रहेगी तुम लोगों के लिए, व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी स्टेज वन से पहले जो ना थोड़ा सा ये पंचायती वाले जो इलाके होते हैं ना, पंचायती इलाके मतलब जहां पे बहुत ज्यादा झुंड बैठा होता है उससे थोड़ा सा दूर रहो ठीक है। अपना जाके सही सी जगह पे होटल वगैरह कुछ ले लो,
थोड़े टाइम अकेले रहो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि फोकस करने में तुम्हें हेल्प मिलेगी। बहुत ज्यादा पंचायत मत करो स्क्रीनिंग से पहले। कुछ होते हैं ना कि अच्छा चार रिपीटर्स के साथ बैठ के रात भर में ज्ञान सोखने की कोशिश करते हैं कि मैं 15-20 दिन से 50 दिन से कुछ नहीं कर पाया, आज रात को 15-20 मिनट में सारा ज्ञान सोख लूंगा। ये काम मत करना। ये काम करोगे ना फिर वो क्या होता है कि चार बातें तुम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो जो उसने बताई है, इधर उधर दिमाग में बहुत ज्यादा हसल चल रही होती है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर पिटोगे यार वहां जाके। दिमाग शांत चाहिए, है ना, दिमाग ठंडा होगा शांत होगा तुम कुछ भी टैकल कर लोगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा कितने यार 100-200-400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आराम से अकेले रहो, ठंडे दिमाग से वहां पे स्क्रीनिंग के लिए जाओ, स्क्रीनिंग करो, उसके बाद में तुम्हें जो करना है तुम उस हिसाब से करो।